स वीर्यं कर्वा वहै मा विद्विषा ॐ शान्ति शान्ति ही। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत है अभिनंदन है अतिथि यज्ञ की चर्चा चल रही है और अतिथि सत्कार के संदर्भ में अनेक शास्त्रों का अनेक ग्रंथों का जो उपदेश हमारे लिए है वो बड़ा अनुकरणीय है ये एक वर्तमान काल में विसंगति आ गई कि अतिथियों का सत्कार करना लोगों ने छोड़ दिया उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं बहुत आ, प्रकार से हम विचार कर सकते हैं कि अतिथियों का सत्कार करना क्यों लोगों ने बंद कर दिया तो ऐसे अतिथि भी बड़ा मुश्किल से मिलते हैं पिछली कक्षा में कुछ आपका प्रश्न था पूछिए जी स्वामी जी अतिथि को कैसे जाने कि अतिथि अतिथि योग्य है कि नहीं अब कोई भी व्यक्ति आ जाए उसे अतिथि तो नहीं स्वीकार कर सकते उसको हर जगह ना घर में बैठा सकते हैं ना परिवार के बार ले जा सकते तो इसका निरीक्षण कैसे करेंगे उसको कैसे हम चाहते हैं कि सत्कार करें तो ये तो ये पता हो कि ये विद्वान है कि नहीं अगर विद्वान व्यक्ति है उससे। तो उससे उस हिसाब से उसका सत्कार होगा यथा योग्य विभाग तो उसको कैसे जाने फिर कितने दिन तो अब कोई अतिथि आ गया वो जाने का नाम ही नहीं लेता उसे पहचान कैसे करें कि है। पिछली कक्षा में कई लोगों ने प्रश्न ये भी किए थे कि अतिथि एक तो ये है कि जिसकी आने की तिथि सुनिश्चित नहीं है लेकिन आजकल वो भी निश्चित हो जाती पहले से पहले फोन से लोग सूचना दे देते हैं या कार्यक्रम फिक्स हो जाते हैं कि उस दिन आना है तो अतिथि कैसे होगा अतिथि का तात्पर्य यही है कि वह लोक कल्याण की भावना से ओतप्रोत होना चाहिए स्वार्थ की भावना उसके अंदर नहीं होनी चाहिए और अपेक्षा उपेक्षा मान अपमान या जो भी द्वंद की बात है वहां वो सम रह करके केवल लोक कल्याण की भावना से वो निकला हो तथा धीर गंभीर विद्वान होना चाहिए अब ऐसे कोई भी अपरिचित व्यक्ति को हम अपने घर बुला लें और बोले तो अतिथि हैं तो ये अविवेकपूर्ण व्यवहार होगा वो शत्रु पक्ष का भी हो सकता है कोई ऐसा आतंकवादी भी हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि वो भेद लेने आ सकता है, सकता है है देशद्रोही भी हो तो ऐसे अपरिचित को हम कैसे अतिथि मान लेंगे परंतु जो हमको पहले से जात है या जो प्रसिद्ध है अब जैसे कोई ऐसे महापुरुष संत या ऐसे जीवन जीने वाले जो केवल अपने जीवन को राष्ट्र हित में जिन्होंने लगाया है राष्ट्र के कल्याण के लिए लगाया है तथा लोक लोक के उधार के लिए जिन्होंने अपने आप को लगाया है कि में में इस समाज में हमको अच्छा एक वातावरण तैयार करना है ऐसे लोगों को हम अतिथि माने जो निराहंकारी है जो निर्द्वंद्व है जो अपने कृतित्व और व्यक्तित्व में निश्चल है पवित्रता जिसके अंदर प्रकट होती है ऐसे व्यक्ति को अतिथि मानना चाहिए अपरिचित को आप मानेंगे तो घर आपका लूट जाएगा और आपके गांव को भी खतरा हो सकता है आपके शहर को भी खतरा हो सकता है राष्ट्र को भी खतरा हो सकता है इसलिए हम अतिथियों को ऐसा समझे दूसरी बात आपने प्रश्न पूछा कि कितने दिन का आतिथ्य होना चाहिए तो जो ऐसे विद्वान धीर गंभीर जो राष्ट्र के हित में लगे होते हैं वो एक स्थान पर टिकते नहीं है वो परिव्राजक कहलाते हैं वो ब्रज जो है इधर उधर वो घूम घूम करके प्रचार प्रसार करते रहते हैं घूम घूम कर लोगों को जागरूक करते रहते हैं ऐसे परिव्राजक को ही अतिथि मानना चाहिए ऐसा नहीं कि कोई ससुराल का व्यक्ति आए अब उसको अतिथि थी, तो ठीक है एक अतिथि तो मानते ही है परंतु वो एक संबंधी हो सकता है अतिथि तो एक विद्वान व्यक्ति ही होता है जिसके आने से हमारे घर में आनंद का अनुभव हो और जिसके सत्संग से हमारे बच्चों में एक विशेष प्रभाव पड़ता हो अच्छा प्रभाव पड़ता हो सकारात्मक प्रभाव पड़ता हो पॉजिटिव थिंकिंग पॉजिटिव जो है वहाँ पर सकारात्मक प्रभाव पड़े जी तो ऐसे हम मान सकते हैं इसको जी आजकल जैसे कि पहले भी होता था कि एक गांव से व्यक्ति दूसरे गांव जाता था रात्रि कहीं हो जाती थी तो विश्राम गांव में किस जिस गांव में भी चला जाता था तो लोग उसे अपने घर में रुकने के लिए दे देते थे खाना पीना देते दे थे उसे ठंडी है तो उसके उसके बिस्तर की व्यवस्था करते थे ऐसे मान लीजिए रात में कभी कोई कहीं से आ रहा है अब परिचित नहीं है कोई ऐसी विपत्ति में है हमारे घर आ गया तो अब हम ये तो नहीं जान सकते ना उसको हम जानते हैं रिश्तेदार भी नहीं है अब विद्वान है कि नहीं है ये भी नहीं है अगर उसके मानवता के नाते उससे शरण भी नहीं देते हैं उसको भोजन नहीं कराते हैं तो ये भी कहीं अपमान करते हैं हम तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें जो अच्छे सच्चे व्यक्ति होते हैं और जिनके अंदर सामर्थ्य होता है तो वो तो शरणागति जो है जो शरण में आया है उसको तो वो स्थान देते ही देते हैं लेकिन स्थान देने के जो है अतिरिक्त हमको अतिरिक्त सावधानी भी बरतनी चाहिए आज का जो परिवेश है आज के परिवेश में पहले का समय बहुत अच्छा था इस दृष्टि से लोगों को जो है इतना लालच नहीं होती थी लोग इतने लोभ में नहीं होते थे उनको दो वक्त का भोजन मिल जाए अपने जीवन के लिए जो आवश्यक वस्तुएं पर्याप्त है उतना थे। लेकिन आज के लोगों में इतना धैर्य नहीं है इतनी उत्कंठा इतनी पिपासा है इतना जो है आ, लालच है कि वो पता नहीं कब उनका ईमान डिग जाए तो इससे भी बड़ी हानि होती है और इसी कारण से आज के परिवेश में लोगों ने आतिथ्य को जो है उचित स्थान जो देना चाहिए था उन्होंने नहीं दिया कि कई धोखाधड़ी लोग कर देते हैं और एक ने की तो जो अच्छा सच्चा अतिथि भी आना चाहता है उसको भी स्थान नहीं मिलता है इसलिए जो अविश्वास है वो अविश्वास जब ज्यादा फैल जाता है तो लोगों में वो श्रद्धा का भाव नहीं होता है श्रद्धा से ही हमारे अंदर आतिथ्य आता है कि हम अतिथियों की सेवा करें सत्कार करें श्रद्धा जब नहीं होगी तो आ भी जाए तो भी हम उसका ठीक मान नहीं करते हैं ठीक है बहुत सुंदर बात आगे कही है कि अतिथि देवाह खलु भारतीय जैसे उपनिषदों का जो उद्घोष है कि अतिथि देवो भव तो यहाँ सुसंहृत भारतम एक ग्रंथ है तो उसमें कहा कि भारतीय निश्चय ही अतिथि को देवता मानते हैं इसमें कोई संदेह नहीं है जितना आतिथ्य भारत में होता है उतना कहीं नहीं होता है आज भी गांवों में या शहरों में भी ऐसे जो बहुत इस संदर्भ में जागरूक हैं वो अतिथ सत्कार जरूर करते हैं तो कहा कि इंडियंस ट्रीट देयर गेट्स एज गॉड उनको अपने अतिथियों में देवता के दर्शन होते हैं वो अपने अतिथि को देवता के समान मानते हैं अतिथि देव उनके मन में भाव है, क्या हम इनको खिला दें कैसे इनकी सेवा करें इसलिए अगली बात कही कि यदि ऐसा कोई नहीं मानता है तो निश्चित रूप से उसका जीवन ठीक नहीं चलता है आर सत्यम एक ग्रंथ है तो वहां कहा गृह कुलम वर्धनते अतिथि पूजया बहुत बड़ी बात कही कि जिस घर में अतिथि पूजन द्वारा गृह स्वामी के कुल और धन से वृद्धि होती है जिस घर अतिथि का सत्कार होता है जिस घर में अतिथि की पूजा होती है किसके द्वारा गृह स्वामी के द्वारा तो वह गृह स्वामी का जो कुल है जो उसका परिवार है वो धन धान से परिपूर्ण हो जाता है और ऐसा आप देख सकते हैं कि जिनके घरों में जो विद्वान आते हैं वस्ते हैं रात्रि या जब उनका जैसा अनुकूल समय होता है तो आतिथ्य करते हैं तो उनके घर में धन धान की कमी नहीं रहती यश और कीर्ति अपने आप फैलती रहती है और आर्य सत्यम इसी में कहा कि यत्र गेहे असत्ता अतिथया संति तत्र भोजन नास्ति किंचित तत्र नास्ति पानीयम बड़ी गहरी बात कही है यत्र गेहे असत्ता अतिथया संति अर्थात जिन घरों में अतिथि का सत्कार नहीं होता है जिन घरों में अतिथियों को तिरस्कृत कर दिया जाता है तिरस्कार जहां जिन घरों में होता है वहां पर मान के चलिए कि कुछ भी खाने की योग्य नहीं है और कुछ भी पीने के योग्य नहीं है तिरस्कार के साथ यदि कोई हमको छप्पन प्रकार का भोज भी कराता है भोग भी व्यंजन भी करा दे सामने रख दे तिरस्कार पूर्वक तो भी वो भोज हमारे लिए बिल्कुल अभोज्य है कितना सुंदर पेय हो बहुत चाहे केसर से मिश्री से जो है युक्त कोई दूध पिलाए तो भी वह पीने की योग्य नहीं होता है क्यों? क्योंकि तिरस्कार से दिया हुआ यदि कोई अतिथि उसको ग्रहण करता है तो वो समझो कि वो पीने के योग्य नहीं खाने की योग्य नहीं है ऐसा इसलिए कहा जाता है कि अतिथि सत्कार में हम ध्यान रखें ये बहुत बड़ी बात है और अतिथि सेवा को श्रुति विहित यज्ञों के समान कहा गया है कि जैसे यज्ञ क्योंकि यज्ञ में तो उसकी गिनती है ही है पंचमहाय में जैसे अग्निहोत्र यज्ञ को हम बहुत श्रद्धा से करते हैं ब्रह्म यज्ञ को श्रद्धा से करते हैं पितृ यज्ञ को उसमें कहा तर्पण और श्राद्ध श्रद्धा से तो अतिथि यज्ञ भी हमको श्रद्धा से करना चाहिए वेदोक्त है ये वेदों में कहा गया जो सत्य है उस सत्य को हमको जीना चाहिए अतिथि पालनात्ष्टाह अमराह ये जन मानते देवलोकम अतिथि पूजन से प्रसन्न देवता लोग जन्म के अंत में देवलोक को प्राप्त कराते हैं और अतिथि स्वर्गम यदि कोई स्वर्ग की कामना करता है तो उसको अतिथि सत्कार जरूर करना चाहिए जैसे कहते हैं कि कोई स्वर्ग की कामना करता है तो यज्ञ करें स्वर्ग की यदि उसको कामना है तो यज्ञ करें इसी प्रकार से यदि उसको स्वर्गी कामना है तो अतिथि यज्ञ करे जितना अतिथि यज्ञ करेगा अतिथियों का सम्मान करेगा सत्कार करेगा उसको वैसा ही जीवन मिलता है और उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है स्वर्ग क्या है स्वर्ग नर्क तो यही है ना ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला होगा कि भाई मैं स्वर्ग से वापस आया हूं अभी जो स्वर्गवासी हो गए वो आए नहीं यहां। और जो यहाँ है वो स्वर्गवासी नहीं हुए इसलिए स्वर्ग नर्क तो यही है हमको स्वर्ग का आनंद का सुख का शांति का अनुभव यही होता है जब हम अतिथियों का सत्कार करते हैं आप स्वयं अनुभव करें कि बहुत ही अच्छी चीज है कोई हमने अतिथि को प्रेम पूर्वक दे दी उसका जो है आतिथ्य किया उसको भोजन खिलाया हम चाहे भले ही भूखे होंगे तो भी हमारे अंदर वो तृप्ति आती है वो शांति आती है और एक ये है कि चुपचाप चोरी चोरी खा लिया अतिथि को नहीं खिलाया तो मन में वो अशांति आती है ग्लानी आती है दुख होता है और हम आनंद से जो है नीचे गिर जाते हैं आनंद को प्राप्त नहीं कर पाते हैं अतः कह रहे हैं कि विहितम संसार को यथावत चलायमान रखने के लिए ही अतिथि पालन का विधान किया गया है अतिथि पालन का विधान इसलिए है कि संसार में संतुलन बना रहे कभी ना कभी कोई ना कोई अतिथि बनता है किसी न किसी का और यदि अतिथि तो है, प्रेम है सत्कार है वो भी न हो किसी भी रूप में हम कहीं जाते हैं तो अतिथि सत्कार होता है प्रेम मित्र के यहाँ जाते हैं अपने सगे संबंधियों रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं तो एक भाव जो आतिथ्य का है आतिथ्य ना हो तो कोई भी किसी के यहां ना जाए प्रेम स्नेह ना हो एक दूसरे के प्रति करुणा का भाव ना हो सहयोग की भावना ना हो तो कोई एक दूसरे के घर नहीं जाए किसी को आज कल तो विशेषकर किसी को समय ही नहीं है तो कौन क्या लेने जाएगा इसलिए कहा कि यह लोक संग्रह को संसार को चलाए मान रखने के लिए अतिथि पालन का विधान किया गया है अतिथि देव पूजयनता पुण्य पुंजा लभंतो आर्य देश संस्कृति कुंते बहुत ऊंची बात कही कि अतिथि देवता का पूजन करने वाले पुण्य समूह को प्राप्त करने वाले लोग आर्य देश की संस्कृति को ऊंचा करते हैं ये भारत है ये आर्यवर्त है इस आर्यवर्त में एक परंपरा है उस परंपरा का निर्वहन करना हम सबका परम कर्तव्य है इस प्रकार से अतिथि देवता का पूजन करने वाला जो यह समूह है जो श्रेष्ठ है ज्येष्ठ है इससे केवल मेरे परिवार की उन्नति नहीं है मेरे समाज की उन्नति नहीं मेरे राष्ट्र की उन्नति है भारत वर्ष को उन्नत बनाने का यह उन्नत यज्ञ है कार्यक्रम है इस कार्यक्रम को इस व्यवस्था को हमको बनाए रखना उचित है इसमें बिल्कुल भी हमको संदेह नहीं होना चाहिए और इसमें यदि संदेह आ गया तो समाज में विघटन उत्पन्न हो जाता है परिवार टूटने लगते हैं परिवार को यदि जोड़ना है समाज को यदि जोड़ना है एक दूसरे के भावनाओं को हमको ध्यान में रख करके व्यवहार करना पड़ेगा यदि ऐसा करेंगे तो ये जो बिखरा हुआ है देश जो जो टूटा हुआ है, जो समाज हुआ है है समाज बटा वह घर व्यवस्थित होगा राष्ट्र व्यवस्थित होगा इसलिए अतिथि की जो सेवा है जो सत्कार है ये हमारा सौभाग्य हमको समझना चाहिए और इसके करने में कभी भी हमको पीछे नहीं हटना चाहिए कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए कह रहे हैं कि नुजते अतिथि विशेषम असत्त्य पदम मात्र चलितुम कि अतिथि का सत्कार न कर एक पग भी जाना उचित नहीं अतिथि का सत्कार न कर उसका अपमान कर दिया या अतिथि का सत्कार नहीं किया और हम इधर उधर डोलने लगे चलने फिरने लगे तो यह हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है अतिथि का सत्कार करना परम आवश्यक है कहा सर्वस्थाभ्यगतो गुरु अतिथि सबका पूजनी है सर्वस्याभ्य गुरुहु गुरु वह माननीय है अतिथि सबका पूजनी होता है चाहे कोई भी हो किसी के यहां भी जाने वाला वो हो अतिथि का कभी भी लोग अपमान करना अच्छा नहीं समझते हैं इसलिए ये बात कही कि समागता नाम युक्त है पूजया प्रतिग्रह अभ्यागतों का पूजा सत्कार किया जाना चाहिए जो अभ्यागत है जो कहीं से आए हुए हैं दूर देश से आए हुए हैं यात्रा करके आए हुए हैं वो थके हारे हैं, तो उनका सत्कार हमको करना चाहिए लोगों का एक ये स्वरूप है ना कि प्याऊ लगाते हैं जगह जगह पर लोग बैठने की व्यवस्था करते हैं पानी पिलाने की व्यवस्था करते हैं उसके मूल में क्या भावना है उसके मूल में यही भावना है कि जो अभ्यागत हैं जो यात्राओं में लगे रहते हैं जो लंबी यात्रा करते हैं उनको हम कुछ उनकी सेवा शुश्रषा कर सकें प्यासों को पानी पिला सके भूखों को भोजन करा सकें और जो निर्धन उनको धन दे सके जो नंगे उनको वस्त्र दे सके अलग अलग प्रकार से अतिथि का सत्कार करना और इस भाव में रहना कि संसार में हमको जो कुछ भी मिला है इस प्रकार से मिला है कि एक व्यवस्था है उस व्यवस्था में उस परमात्मा का अनुभव करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए याद रखना चाहिए कि यह जो संसार चल रहा है या ये जो देश चल रहा है समाज चल रहा है तो समाज में जितनी मेरी भूमिका है उतनी भूमिका सबकी है चाहे वो अतिथि के रूप में आ रहा है एक आचार्य के रूप में अध्यापक के रूप में है विद्यार्थी के रूप में है माता पिता पति पत्नी के रूप में है एक एक पल पल हमको इस पर विचार करना चाहिए इस संसार का जो संचालन करने वाला परमात्मा है वो हमको उपदेश करता है कि हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए यदि हमारा व्यवहार ठीक होगा तो समाज भी ठीक होगा यदि केवल लोभ की प्रवृत्ति हमारे अंदर होगी तो हम इस संसार का दोहन करने वाले होंगे तो निश्चित रूप से असंतुलन आएगा हमारे व्यवहारों में भी असंतुलन आएगा संस्कारों में असंतुलन आएगा और हम ज्यादा दिन तक सुखी नहीं रह सकते यदि दीर्घ काल का सुख चाहते हैं अपने अंदर प्रसन्नता चाहते हैं तो सबका सत्कार करना सबसे प्यार करना स्नेह करना और अपने भावों को उसके भावों से जोड़ करके देखना आत्मत सर्वभूतेशु यह पश्चती सा पंडिता यह पश्चती सा पश्यति ऐसी जो भावना है उस भावना से उत्प्रोत हो करके यू सर्वाणी भूतानी आत्मव भूत बिजानता तत्व अनुपस्थ्य था और दूसरी बात क्या कही थी कि यवाणी भूतानी आत्मवूत बिजानता विजानता सर्वभूते शुचात्म तत्व न विजुगुप्सते ये जो भावना है इस भावना से हमारा मन सदा ओतप्रोत रहे कि जो सभी भूतों में विद्यमान है देवता का तात्पर्य जो देने वाला है और वो देवता जब देता है हमारे अंदर स्वतः आनंद का उत्साह का भाव जागृत हो जाता है अतिथि की सेवा ये महान कार्य है और अतिथि की सेवा के लिए हमारे संस्कृति में हमारी जो विरासत है इसमें अलग अलग संदर्भों में बहुत आपको उदाहरण मिलेंगे चाहे प्राचीन काल की बात हो चाहे अर्वाचीन काल की बात हो मध्यकालीन बात हो ये परंपरा सदा रही है और सदा आगे रहेगी भी यदि समाज को अच्छा चलाना है समाज को व्यवस्थित करना है परिवार को व्यवस्थित करना है एक दूसरे के प्रति जो आदर का भाव है उसको बना करके रखना है तो ये कार्य करना ही पड़ेगा और जब एक एक व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करेगा तो अधिकारों का अपने आप उसको लाभ मिलेगा जब अतिथि आता है तो कितने लोगों को शिक्षा दे करके आता कितना अनुभव लेकर के आता है घर में आएगा तो छोटे बच्चे उनका भी व्यवहार वो बताएगा कैसे व्यवहार करना है बड़ों का व्यवहार बताएगा और इस संसार का व्यवहार भी बताएगा कि इस संसार की नस्वरता उसकी जो क्षण भंगुरता है उसके विषय में बताएगा तो घर बैठे ही हमको अलग अलग संदर्भों से अलग अलग चीजों का अनुभव हो जाता है हमको बाहर नहीं जाना पड़ता है इसलिए यह बात यदि हमको समझ में आ जाए तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सफल होगा इसका उद्धार होगा इसका बेड़ा पार होगा संसार का भी और इस जीवन का भी ऐसी भावना हमारे अंदर हो ऐसे भाव हमारे अंदर हो और ऐसे संस्कारों से हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता है तो आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे ओ शांति शांति शांति